अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरबी स्टूडियो से आरबी डायरी से मुखातिब है। आज मैं एक गांव में खड़ा हूं और मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक तफरी भी हो जाएगी और आपको कुछ फसलें जो इस मौसम में होते हैं वो आपको दिखा दूं कि इस मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं और हर इलाके के हिसाब से अलग अलग फसलें होती हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो दिखा देता हूँ वो है, एक तो गंदम की फसल है जो बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह जल्दी में पक जाएगी। तो वो जो आटे का बहरान है, अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको दिखा देता हूँ। और एक सरसों की फसल होती है जिससे जो सरसों का तेल होता है जो निकलता है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको वो दिखाऊं जिससे तेल निकलता है जिसको हम सरसों बोलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, जांभू जो जिससे कड़वा तेल बनता है। अच्छा, इसमें से ना इसका साग भी बनता है, तो साग भी बनता है और बहुत अच्छा बनता है जिसका टेस्ट बहुत प्यारा होता है। तो ये भी है और ये इसका बनता है साग, तो और ये इसी का साग बनता है और इससे जो है ये फलियां हैं इसमें से जांभू निकलता है और जिससे इसका कड़वा तेल बनता है और इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा भी होता है और बहुत ज़बरदस्त इसका तेल बनता है। तो ये वो फसल है जो मैंने आपको बताया, तीन फसलें यहाँ पे होती हैं। वैसे यहाँ पे कमाद भी होता है लेकिन यहाँ पे पानी की किल्लत है, कमाद भी बनता है, केला भी बनता है और फसलें तो माशाल्लाह बहुत हैं, और लेकिन ये है कि पानी की बड़ी किल्लत है। ये पूरी फसल जो है आप देख लें, नज़र आ रही होगी आपको, ये जांभे की फसल है, ठीक है ना। और ये इसमें हल वल चलाते हैं और बहुत से और भी इसके जो हैं जिससे हल चलता है तो वो भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं या ज़मींदार दोस्त हैं वो कैसे बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये राजा हर के नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है और ये भी फसलों में इस्तेमाल होता है। तो इससे जो खेतीबाड़ी होती तो ये इसमें आसानी होती है, जब पानी कम होता है तो इससे ज़मीनों को जो ज़मीन सूखी हुई होती है उसमें ये हल चलाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक और फसल होती है जो कपास की फसल होती है, तो उसको जब उगाते हैं या उसका बीज लगाते हैं तो ये हल जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है और ये इसमें ये जो है इसमें बीज डाला जाता है, इसमें ये बीज डाला जाता है तो ये हल चलता है, आगे जो है वो ट्रैक्टर होता है और पीछे ये होता है और दो बंदे जो होते हैं, एक यहाँ बैठता है एक वहाँ बैठता है, और इसमें बीज होता है जो पानी में भिगो के रखते हैं रात को और सुबह को ये हल चलाते हैं और इसमें ये जो नाली है इसमें डालते रहते हैं। ये कपास की फसल के लिए है और ये जो है वो थ्रेशर इसको बोलते हैं, और थ्रेशर जब गंदम पक जाती है तो इसमें डाल के और जो उसका बीज है वो निकाला जाता है, तो ये इसमें डालते हैं तो फिर ये यहाँ से घूम के और इधर से निकलता है। नाज़रीन, ये जो है ना ये दूसरा हल है जिसको ये थाली के नाम से कह के बुलाते हैं, और ये जो है ये भी हल का एक किस्म है जो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। नाज़रीन, एक ये है, ये हल भी है, इसको कल्टीवेटर बोलते हैं, तो ये भी ज़मीनों पे चलाते हैं हमारे जो ज़मींदार भाई और किसान भाई, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और एक चीज़ और भी दिखाऊंगा आपको ना, एक चीज़ क्या दो 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 और चीज़ें, और एक और चीज़ भी दिखाऊंगा आपको, वो भी देखिएगा।
अच्छा ये हल है जिससे प्याज व्याज बनाते हैं, उगाते हैं, तो ये भी जब वो खीरे निकालते हैं ना तो उसमें ये हल चला के बड़े बड़े, और बीच में फिर प्याज की जो बीज है वो लगा के और बनाते हैं। नाज़रीन ये वाटर कोर्स है, ये यहाँ से पानी आता है और इसको ये यहाँ जमा होता है और फिर इसको जो है वो एक लिफ्ट के ज़रिए, जो लिफ्ट है वो डीजल पे चलती है, तो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पानी खींचा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ऊंची है और ये वाटर कोर्स जो है वो नीचे है, तो इसको लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये वो लिफ्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये कैसे चलती है। ये यहाँ पे मशीन है लगी हुई, मशीन के ज़रिए, ये मशीन है डीजल की, ये यहाँ से जो है ये यहाँ पे एक हुक टाइप होता है जो लगा के और स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जो इंजन होता है वो तो सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन ये इसको हाथ से स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन दूसरा जो तरीका होता है, एक तो वो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा तरीका है पानी निकालने का, यहाँ जो ज़मीनों में दिया जाता है तो वो होता है ट्यूबवेल के ज़रिए। तो वो ट्यूबवेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है तो लाइट इतनी नहीं है, तो ये भी डीजल का जो इंजन है उससे जो है वो स्टार्ट करके, जो पहले मैंने आपको दिखाया वो तो लिफ्ट का था, और ये जो है वो डीजल का जो इंजन है वो ट्यूबवेल का है। तो ये देख ले, ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। और ये इसका जो है ये पाइप लगा हुआ है, और ये नीचे जाएंगे तो ये वहाँ से इसका पानी निकल आता है और इस पाइप के ज़रिए यहाँ से निकलता है, और ये यहाँ से पानी निकल के फिर ऐसे और फिर ज़मीनों में चला जाता है ऐसे करके। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, और मेरी कोशिश होती है कि नई सी नई वीडियो और अच्छी सी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाऊं, ताकि जो आपको आँखों को अच्छी लगे और पसंद भी आए, मेरी कोशिश होती है कि वो वीडियो आपको दिखाऊं। इंशाल्लाह पसंद आई होगी, और फिर वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा भी देखा करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।